Well, students, in this session we are going to practice some more writing, okay? और writing section बहुत ही easy है. मोरी की कहानी याद है ना आपको? तो well, मोरी's parents stopped catching too many fish and they started making other items to earn a living, right? मोरी के पेरेंट्स ने जो है बहुत सारी मछलियां पकड़ना बंद कर दिया और वो दूसरी चीजें बनाने लगे अपना जीवन चलाने के लिए. Now you have to make a list of few things they stopped doing and those they started doing. आपको जो है उन कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो कि उन्होंने करना बंद कर दिया और कुछ ऐसी चीजें जो कि उन्होंने करना शुरू कर दिया. जैसे कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? They started making soap, right? And they stopped, you know, catching too many fish. They did not catch too many fish. और क्या होगा? They made mat. They stopped, they did not take more than what trees offered, right? तो इस तरह से जो है आप दोनों तरफ के लिस्ट में देखिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ओके? और उसके बाद ये सेकेंड एक्टिविटी भी इजी है. इसमें क्या करना है आपको? तो मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू डू और डोंट डू आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल. एक्सचेंज योर लिस्ट विद योर पार्टनर्स एंड सी व्हाट ही और शी हैज़ रिटन. तो वेल, पार्टनर्स के साथ एक्सचेंज करने का काम वो हम कर देंगे आपकी तरफ से. आपको क्या करना है? तो आपको जो है वो चीज़ें लिखनी है जो कि आप स्कूल से घर लौटने के बाद करते थे नॉर्मली या करते हैं नॉर्मली, राइट? और उसके बाद वो चीज़ें जो कि आप नहीं करते हैं. जैसे कि अच्छे बच्चे क्या करते हैं? तो वेल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल दे डू होमवर्क. एंड अच्छे बच्चे क्या नहीं करते हैं? दे डोंट वॉच टू मच टीवी. गॉट इट? सो वेल, आप इसको पूरा करिएगा और फिर हम लोग मूव करेंगे अगले लेसन पे. ओके, बाय बाय.